दोस्तों, दोस्तों आप लोग कैसे हो? बस और मस्त जरूर होंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा लेट। थोड़ा वीडियो हमारे लिए स्टार्ट हो गई है कभी, और आगे जा रहे हैं। इनसे जरा मिलिए, डाला डाले जहाँ जहाँ डाला तो है भैया भाई हो। आज हम वीडियो लेट स्टार्ट कर रहे हैं ना, आओ तो दोस्तों आप वीडियो लेट स्टार्ट कर रहे हैं। और सुबह जब आए थे ना, तो एक आप लोगों को खबर ही बता देते हैं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। लेकिन हमारे लिए एक खुशखबरी खबर है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा है। याद है आप लोगों को? नहीं याद होगा, वो सोच आपको याद कर लीजिएगा, हम खड़े करते हैं हमें याद। तो पाकिस्तान दिवालिया हो खुशखबरी की बात है, और खुशखबरी की बात यह है कि हो सकता हो आशा कर सकते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं, आशा को देखना का है, मानसिक कारण का है, और ले सकते हैं थोड़ा और सजा हो अपने आप आ जाएगा। तस्वीर तो वैसे मुझे ले नहीं थी कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से नहीं ये बताइए। अभी आप क्या कर रहे हैं? इधर ये ज़्यादा से नहीं आ रहा है यार, बात ऐसा हुआ है कि इनके सारे वाला अभी छोड़ रहा है। अभी क्या हुआ कि पहले एक धागा छोड़ना था, दूसरा धागा छोड़ना, तो आपने देख रहे काम सही करके फिर मिलता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, हमें एक वीडियो में मैसेज आया था कि हम लूप कैसे लगाएं मशीन से। अगर मशीन से लूप लगाना है तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि मशीन से लूप कैसे लगता है। बॉर्डर पे लोग लूप लगाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जब लूप लगाते हैं तो वहाँ पर पहला गेड़ा 11 से या तो नॉर्मली 13 से, जब 11 से उठाएगी या 13 से जो भी उठाएगी, तो वो गेड़ा अगर एक इंच का बॉर्डर बनाना है तो करीब करीब 35 से 36 गेड़े तक जाता है। तो अगर कम बनाना है 23 से 24 गेड़े तक जाता है। इसमें लूप लगेगा ये भी बताएंगे, इसमें लूप नहीं लगेगा ये भी हम आपको। तो हमने पहले इसमें लूप डाल दिया है, 3 या 4 लूप डाल के ये बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 7 लूप पड़ा हुआ है, यानी 7 गेड़े पड़े हैं इसमें। तो इसमें बने 7 गेड़े, तो ये चौड़ाई इसकी बढ़ गई है, 7 गेड़े का 7 लूप लगता है। और लूप कैसे लगता है वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं अभी। और ये तो हो गया हमारी इसकी टेप की बात। ये हमारा बॉर्डर बहुत पतला था, अगर इसको हमें 1 इंच चौड़ाई देनी है, यानी कि हमें यहाँ तक की चौड़ाई देनी है, तो क्या करना पड़ेगा कि अमूमन या जनरली क्या होता है कि इसमें हम गेड़े भर देते हैं, लूप भर के चला लेते हैं, तो ये हमारा लूप भर के इतना चौड़ा हो जाता है। तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं लूप कैसे डालते हैं। मशीन को पहले रोक लेना, मशीन रोकने के बाद हमने ये देखिए ये सी प्रेस कर लेना, ये वाली यहाँ पर क्या करना, सी प्रेस करना। सी प्रेस करेंगे तो ऐसा कालम खुल जाएगा, जब ऐसा कालम खुल जाएगा ओहो थोड़ा सा हम आगे और हो जाए भाई। नीचे ना यहाँ पर नीचे बहुत सारा धागा रखा हुआ है, तो थोड़ा सा धागा हटा के फिर अभी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों फाइनली आप लोगों को बताने जा रहे हैं, यहाँ पर करना क्या है कि पहले हमने इसको देखिए यहाँ पर लाल लगा हुआ है, तो हमने क्या करना, अभी हम बॉर्डर का लूप बता रहे हैं, तो हमने इसको क्या करना है, प्रेस कर देना। जैसे यहाँ प्रेस करेंगे वहाँ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। तो जनरली बॉर्डर 11 से शुरू होता है, तो हमने क्या करना है कि 11 से शुरू हो रहा है तो 12 के बाद जो दूसरी तीसरी लाइन चलती 13 है, तो यहाँ पर क्या करना 13 भर देना यहाँ से 1 3, तो यहाँ से हमने क्या किया 13 भर दिया और इसको हमने ओके कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर जाना, पहले देखिए एस लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ई लाइन लिखा हुआ है, तो इस पर हमने आना है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर बीच वाली लाइन, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने आके यहाँ पर यही चीज़ यही ओके करना है, तो ऐसा आसन खुलेगा और इसको हमने यहाँ पर 14 कर देना है, 1 4 यहाँ पर 14 हो गया। इसको हमने फिर यहीं से एंटर कर देना है, ये एंटर का है, यहीं से ओके वाला सारा काम यहाँ से होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना, आगे चले जाना है लूप। अब कितने लूप में बनेगा, 1 इंची बढ़ाना तो 12 गेड़ा, 1 इंची बढ़ाना है तो 12 गेड़ा या 14 गेड़ा जो भी होगा वो हम डाल लेंगे। तो 13 14 का कितना बढ़ाना है, यानी 12 गेड़े, तो 12 गेड़े बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंटर करेंगे, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा दूर से, एंटर करेंगे और यहाँ पर 12 भर देंगे। इसके बाद 12 भरने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि एंटर दबा देंगे, ये देखिए टोटली हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमने इसका लगाना है, इसका लगाना है, तो इसमें देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ 33 34 35 जैसे शुरू होता है, तो हमने 35 नंबर अभी देख लेगा दोस्तों। अभी हमने क्या कर देना है कि यहाँ नीचे आ गए,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आके सेकेंडरी वाले में क्या करना है वही प्रक्रिया सब कर देनी है। और हमने कर फटाफट इसको करके आप लोगों को दिखा देते हैं। 35 और 36 का हमने यहाँ पर लगा देना है, मान लो 6, 7, 8 जो भी लगा देना है, 8 भर दिया। ये देखिए दोस्तों ऐसे हो जाता है। अभी जिस पीस में हम बता रहे हैं उसी पीस का बता देते हैं कि हमने क्या करना है आगे। जैसे अभी 3, 4, 1, 45 तो करते हैं ये आगे। ये देखिए 41, मान लो 20 या 19 जो भी गेड़े का है, तो यहाँ 360 कर लेंगे, 360 हो गया। फिर यहाँ पर 2, 4 लूप जो भी होगा, 2, 4 या 6 जो भी, या 5 होगा, 5 कर लेंगे, तो ये सेकेंडरी हो गया या हमारे पल्ले का हो जाएगा। इस तरह हम अपना कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह हम लूप लगाना आप लोगों को बता दिए हैं और कैसे लगता है वो भी हम आप लोगों को बता दिए हैं। अभी फ़िलहाल हम आप बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं दोस्तों। जैसे ये देखिए सम और विषम संख्या, जो लोग जानता है यहाँ पर सम विषम डालिए तो यहाँ पर ऐसे लिख देगा, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करिए, 13, 11 को छोड़कर जैसे 2 डाल दीजिए, 2 डाल के ओके करिए। यहाँ पर पहले ही दे देगा स्टार्ट, 2 नाथ और, तो इसको काट दीजिए, ये सारा कट जाएगा। फिर हम बाहर आ गए तो इसी से मशीन में लूप लगाया जाता है दोस्तों। दोस्तों जिसको समझ में आ गया होगा वो हमें कमेंट करके बताएगा कि हमें समझ में आ गया है, और जिसको समझ में नहीं आया है वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये हमें समझ में नहीं आया। दोस्तों मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि लूप कैसे लगाते हैं, ताकि इधर हमारी सारी मशीनें चल रही हैं। और दोस्तों एक बात और है कि मैं आज एक वीडियो लेट इसलिए बनाया कि इधर हमारी मशीन ख़राब हो गई। ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ से मोटर खोल के चला गया है और ये हमारी वीडियो थोड़ा बनाने में हम आज लेट हो गए थे, क्योंकि जानकारी आप लोगों को हम पूरा देंगे। और इधर क्या किए हैं कि इधर से ड्राइव खोल के ले गए हैं दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारी मशीन 3-4 दिन से खड़ी है, बाकी 2 मशीनें चल रही हैं, एक मशीन हमारी प्रॉपरली खड़ी है, इसका शीशा लगा देते हैं। तो दोस्तों लूप वाली जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करिए, सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तो आपको हमें सहयोग और सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे तो ऐसे हम बनाएंगे, जानकारी देते रहेंगे, जो भी हमें कमेंट आएगा वो जानकारी देंगे। अगर कमेंट करके आप लोग जो जानकारी जानना चाहते हैं अगर वो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और हम उस पर फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बता सकते हैं आप लोगों को। और देखिए मेरे साथी, अगर मेरे साथी भी काम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, 3 मशीनों को चलाते हैं।